गाइस, उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्व पाकिस्तानी जो राष्ट्रपति था उसकी फैमिली की कुछ संपत्ति है। अब फैसला लिया जा रहा है कि वो जो संपत्ति है, एनिमी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग कहते हैं, शत्रु संपत्ति जो है, क्योंकि वो हमारी एनिमी कंट्री जो पाकिस्तान है उसकी, उसके मेंबर्स की है ये, यानी कि वहां पे वहां के रेसिडेंट्स की, आप कह सकते हो, राइट, इंडिया के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये कहा जा रहा है कि अब उस जमीन की नीलामी जो है वो करवाई जाएगी। तो बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। सरकार जो है वो प्रयास ये कर रही है कि एनिमीज प्रॉपर्टी को मैनेज करना है। और हमारे एनिमीज कौन है हमारे, तो पाकिस्तान और चाइना, जिनके साथ हमारा युद्ध हुआ था। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ किस ईयर में युद्ध हुआ है और चाइना के साथ किस किस ईयर में युद्ध हुआ है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। और इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि एनिमी प्रॉपर्टीज को अब मैनेज किया जा रहा है। आपको बता दें, हमारे यहाँ पर एक कानून है 1968 का, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। और ये कानून जो है वो तब बनाया गया था जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। उसके बाद ये कानून जो है वो लाया गया और ये कहा कि जितनी भी प्रॉपर्टीज इंडिया के अंदर है, उन लोगों की जो लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं, राइट, और यहाँ पर वो प्रॉपर्टी जो है वो अबेंडेंट, यानी कि खाली पड़ी हुई है, खंडर है, या उस पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो वो प्रॉपर्टी जो होंगी उनको एनिमी प्रॉपर्टी माना जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति जो इंडिया के अंदर आकर जिसने जमीन खरीदी हो उसके नाम पर हो और वो व्यक्ति भाग गया पाकिस्तान या चाइना, तो ऐसे व्यक्तियों की प्रॉपर्टी जो होती है वो एनिमी प्रॉपर्टी कहलाती है। देखो लिखी भी है इसमें, प्रॉपर इसकी परिभाषा दी हुई है कि प्रॉपर्टी जो है वो ऐसे इंडिविजुअल्स की या ऐसी कंपनीज की जो पाकिस्तान या फिर चाइना भाग गए हैं 1965, 1971, 1962 के वॉर के बाद। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो होंगी वो किसके कस्टोडियन में आएंगी, तो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, यानी कि हमने एक ऑफिस जो है वो तैयार किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, तो उसकी कस्टडी जो है वो ये ऑफिस लेता है, सीईपीआई ऑफिस, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसकी कस्टडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, हम लोग को गृह मंत्रालय के पास देखने को मिलती है। ऐसी प्रॉपर्टी किसके अंडर आती है, गृह मंत्रालय के कंट्रोल में रहती है। फिर एक ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था 1966 में, तो इसके अंदर भी ये कहा गया कि चलो ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो रिटर्न जो है वो कर दी जाए, राइट। तो पाकिस्तान ने जो है वो 1971 में जो है वो इस चीज़ को, आपको ऑलरेडी पता है कि इसके विपरीत जो है वो अधिनियम जो है वो लेकर आ गया। और फिर इंडिया ने बोला कि चलो भाड़ में जाओ, हम अच्छाई पे थे कि चलो एक काम करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी जिन लोगों की भी है वो रिटर्न करते हैं, बट इनको अच्छाई पसंद ही नहीं, तो एक काम करो बेटा, कुछ नहीं दे रहे, कर लो जो करना है। फिर 2017 में अमेंडमेंट होता है, एनिमीज प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल 2016 का, तो इसके अंदर डेफिनेशन को और ब्रॉड कर दिया एनिमी सब्जेक्ट की और एनिमी फर्म की। इसके अंदर ये भी कहा गया कि जो भी लीगल वारिस जो होंगे और जो उनके सक्सेसर होंगे, तो इवन अगर वो इंडियन सिटीजन भी हैं और नॉन एनिमी नेशंस का भी उनके पास रेसिडेंटशिप है, तो भी उनको जो है वो नहीं दिया जाएगा। मतलब सिंपली ये कह दिया है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, ठीक है, एक एक्स व्यक्ति है, उसने इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी, इंडिया में वॉर हुआ, उसके बाद वो जाकर पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। अब उसका पुत्र है वाई, ठीक है, पुत्र या पुत्री जो भी उसके वारिस, अब वो दूसरी कंट्री जाकर उन्होंने जैसे दुबई की वो ले ली रेसिडेंटशिप, तो यहां पर फिर भी इस प्रॉपर्टी, यानी कि जब उसका वारिस वापस आएगा, तो वो ये कहकर वापस नहीं आ सकता कि भैया मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दे दो क्योंकि मैं दूसरी कंट्री का रेसिडेंट हूं। नहीं, क्लियरली ये चीज मेंशन है कि इन्होंने डेफिनेशन को और ब्रॉड कर दिया है। इसके अंदर जो लीगल वारिस जो होंगे और सक्सेसर होंगे, अगर वो इंडियन सिटीजन हैं या नॉन एनिमी नेशंस के भी हैं, तो भी उनकी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी ही कहलाई जाएगी, उनको रिटर्न नहीं की जाएगी। अब ऐसे काफी सारे मामले केस में भी जो है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी देखने को मिले, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजा मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान केस 2005 का हम लोग को देखने को मिला। इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली, इन्होंने ये बोला कि अगर कोई एनिमी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक राजा है महमूदाबाद के, राइट, जिन्होंने पाकिस्तान जो है वो छोड़कर चले गए 1957 में, और उनका पुत्र जो है वो एक इंडियन सिटीजन है, और वो अगर इस प्रॉपर्टी को क्लेम कराए, क्योंकि 1957 की बात हो रही है ना, क्लेम कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो उसको देनी चाहिए, राइट। तो ये उनके फेवर में, उसके बेटे के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये जजमेंट दिया। और फिर देखो उसके बाद सरकार ने हमेशा कानून के थ्रू प्रयास यही किया है कि भाई जो व्यक्ति इंडिया के अंदर आया, जिसके पास इंडिया की ओनरशिप थी और वो पाकिस्तान चला गया, अब उनका अगर पुत्र अगर इंडियन सिटीजन हो या कोई दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप में चला गया, जो हमारी नॉन एनिमी कंट्री यानी कि पाकिस्तान और चाइना के अलावा दूसरी कंट्री की रेसिडेंटशिप ले ली, तो भी उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, राइट। जो ये प्रॉपर्टी एक बार एनिमी डिक्लेयर हो गई, तो उसको एनिमी प्रॉपर्टी ही डिक्लेयर माना जाएगा। तो ये क्लियरली जो है वो गवर्नमेंट ने जो है ये अपना कह दिया है ये रिस्पॉन्स में कि भाई हम कस्टडी जो है वो उसकी नहीं देंगे, अगर वो भागे हैं ये प्रॉपर्टी को छोड़कर, तो प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी ही कहलाई जाएगी। तो अब इसकी नीलामी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है।
सरकार के कंट्रोल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसका रिसेंट नोटिस है वो सामने आया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ जमीन है राइट एक्स पाकिस्तानी प्रेसिडेंट की फैमिली की, तो उसकी जो है वो नीलामी की जाएगी। और ये लगभग हम लोग को इंडिया के अंदर कर्नाटक के अंदर 24 ऐसी प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही हैं राइट, और बेंगलुरु की प्राइम लोकेशन में भी काफी सारी एनिमी प्रॉपर्टीज हम लोग को देखने को मिलती हैं। और कोर्ट का रूलिंग जो है वो 2017 के अमेंडमेंट से पहले ये आ रहा था कि जो भी माइग्रेंट है जो पाकिस्तान चले गए हैं या चाइना चले गए हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं एनिमी प्रॉपर्टी के ऊपर उनके रिलेटिव्स राइट, बट 2017 के कानून ने ये चीज बोल दिया कि नहीं भाई सरकार जो है वो एनिमी प्रॉपर्टी जो है वो प्रिवेंट मतलब वो रिटर्न नहीं करेगी किसी भी कीमत पे। अब फिर पब्लिक प्रिमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971, ये भी एक कानून है, सार्वजनिक परिसर अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1971। ये कानून का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जैसे कि कई बार किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर लोग जो है वो कब्जा करके नहीं बैठ जाते, संपत्ति पर जो है वो कब्जा कर लिया, सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, तो उनको हटाने के लिए कानून हम लोग को देखने को मिला कि ये एग्जिस्ट करता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फिर 2017 का अमेंडमेंट जो लाया गया था उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अब किसी प्रकार से एनिमी प्रॉपर्टी जो है वो उनके रिलेटिव्स को नहीं दी जाएगी और गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल एनिमी प्रॉपर्टी पर रहेगा। हालांकि कोर्ट ने अपने कुछ ऑर्डर्स में इस चीज को कंफर्म किया है कि भाई एनिमी प्रॉपर्टी जो है उसको आप जो है वो प्रिजर्व करके रखो और पब्लिक सर्विसेज के लिए पब्लिक की सेवाओं के लिए उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाना चाहिए। तो ये भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को जिस प्रकार से एनिमी प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखने को मिला। तो आई होप कि आपको एनिमी प्रॉपर्टी का ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा।